करेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है फॉर यू। एंड पहले बता देती हूँ, मेरे पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल है टिल 30th ऑफ सेप्टेम्बर, विच इज 300 पर टॉपिक पर रीडिंग। अगर आप लोग को आवाज़ कम आ रही है तो प्लीज़ हेडफोन्स का यूज़ कीजिएगा। एंड इसके अलावा अगर आप लोग मेरे साथ टैरो सेशन सीखना चाह रहे हैं तो एक कंप्लीट पैकेज 6000 में अवेलेबल है फ्रॉम अक्टूबर। अभी अगर बुकिंग करते हैं तो वो 5000 में अवेलेबल होगा, जिसमें आपको 15 क्लासेस मिलते हैं हेल्थ करियर एंड लव का एक साथ में है। एंड इसके अलावा आप मेरे साथ हीलिंग सेशंस के भी बुकिंग कर सकते हैं। एंड एस्ट्रो का भी मैं चेकअप कर रही हूँ प्रेजेंटली अलग से, सो विच इज़ इंक्लूडिंग एस्ट्रो के डिटेल्स विद द यू कैन से रेमेडीज। सो उसमें आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। एंड उसके 350 से स्टार्ट होता है, क्योंकि एस्ट्रो जनरली एक टॉपिक पे नहीं होता है, थोड़ा सा वैरीड क्वेश्चन आ जाता है, सो नंबर ऑफ क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। सो देना करते शुरू करते हैं आपके पर्सन के करंट एनर्जीज को एंड उनके मन में आपके लिए क्या है वो थॉट्स को थोड़ा सा पता करते हैं। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन और करंट एनर्जीज में हम आपके पर्सन के मन में अगर आपके लिए कोई मतलब लेट नाइट थॉट्स है या फिर थोड़ी सी इंटीमेट थॉट्स है तो उस चीज़ को भी देखेंगे कि है कि नहीं, ठीक है। और साथ में हम चेक करेंगे अगर आप में से कोई लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में जूझ रहे हो कि क्या थर्ड पार्टी है आपके पर्सन के लाइफ में, अगर है तो वो क्या थर्ड पार्टी, इंसान वाला है, लव है, मतलब जॉब है, करियर है, कोई डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन है। सो थोड़ा सा डिटेल में हम लोग ये सब देख लेते हैं। सो आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज अगर आ रहा है या उनकी करेंट थॉट्स क्या है पहले उसको देखते हैं। सो कहना कि आपके पर्सन लोनली महसूस कर रहे हैं, वो आपके प्यार को मतलब अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ये आप भी हो सकते हो कि आप अपने पर्सन से दूर होके काफ़ी ज़्यादा दुख महसूस कर रहे हो, ठीक है। आपके पर्सन भी आपसे दूर होके काफ़ी ज़्यादा खुश तो है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उनकी इंटीमेट थॉट्स अगर आपको लेके कुछ है तो वो क्या है। यस, हाई प्रिस्टेस वो आपको बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं, स्पिरिचुअल नज़र से देखते हैं। सो जैसे कि हम अगर कोई स्पिरिचुअल इंसान को पा लेते हैं तो हमें एक अचीवमेंट जैसा लगता है। कोई अगर इंसान को हम फर्स्ट टाइम के लिए पाते हैं तो फिर अलग ही कुछ महसूस होता है। फॉर मेल्स ये चीज़ रहता है, फीमेल्स तो काफ़ी ब्रॉड माइंडेड होती है, और मेल्स का ये रहता है कि फर्स्ट टाइम मेरे साथ हो, तो वैसा टाइप का उनका फीलिंग है कि मेरे साथ में होगा। सो वो वैसा एक अलग ही क्रेज़ है उनको उस चीज़ को लेके। और कुछ इंटीमेट थॉट्स अगर है आपको लेके वो भी देख लेते हैं। दिस इज अ जेन्युइन रीडिंग, अगर आपके साथ में थोड़ा बहुत रेजोनेट ना करे देन इट्स फाइन। वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेके, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांगली सोचते हैं। एंड आपको कुछ सिर्फ पैशन नहीं, इंटीमेसी नहीं, आपको वो कुछ इमोशनल ऑफर भी करना चाहते हैं। दे आर इमोशनल फॉर यू, ठीक है। अभी देख लेते कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है कि नहीं, क्या वो आपसे अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो किसी और के साथ में है, किसी और इंसान के साथ में है, या किसी और सिचुएशन में है, क्या चल रहा है। मैं इसमें ना एनर्जी क्लेंस कर ले रही हूँ ताकि सेम टाइप के सिचुएशन, अच्छा वो आपको लेके ही इमोशनल है। अगर किसी और के पास में वो जाते भी है तो वो इमोशंस तो आपके ही लिए महसूस करते हैं। वो सैड है, रिग्रेट वाली एनर्जी में है। अगर उन्होंने आपके जगह किसी और को चूज़ किया तो वो रिग्रेट और सैडनेस की एनर्जी में दिख रहे हैं। एंड वो अभी आपके साथ में कुछ सॉलिड ऑफर करने के लिए सोच रहे हैं, आपके साथ में सेलिब्रेट करने का सोच रहे हैं, एंड वो आपको ही सोचते हैं। दि सन, आप उनके लिए दि सन हो, वो किसी और रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है। और अगर है भी तो उसमें इमोशंस नहीं है, वो आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। फिर हम पता करते हैं थ्री ऑफ, यस थ्री ऑफ, यहाँ पे जैसे थ्री ऑफ कप्स आया था, थ्री ऑफ मैंड्स, तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ में जुड़े हो जिसकी फैमिली के और किसी इंसान के साथ में भी आप कनेक्टेड हो, एंड आप तीनों एक साथ में एक सॉलिड बॉन्ड को शेयर करते हो। हो सकता है वो एक मैरिड इंसान है, एंड या फिर हो सकता है कि वो डिवोर्स्ड है, या फिर वो सेपरेटेड है, एंड उनके चाइल्ड के साथ में आपका कुछ बॉन्ड है, तो आप तीनों का एक अच्छा बॉन्ड हो सकता है। या फिर उनके मदर के साथ में आप बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो सकते हो, या फिर उनके कोई एक पेरेंट के साथ में, फीमेल फिगर हो या कोई भी,
आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हो. सो दिस शोज थ्री ऑफ हैंड्स एंड थ्री ऑफ कप्स शोज देर इज अनदर एनर्जी इन योर इन देयर लाइफ विच इज हु इज वेरी क्लोज टू यू एज वेल. उनमें से किसी एक के साथ में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हो, जैसे एक के साथ एक को बहुत पकड़ के रखा है. सो आपके पर्सन के अलावा भी यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद समबडी एल्स इन देयर फैमिली. ठीक है, तो लास्ट एक गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं. ओके, तीन कार्ड फ्लिप होके आया है. वेरी नाइस, द लवर्स की एनर्जी आई है. सो आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं. एंड डेविल का कार्ड भी आया है. आपको डेस्परेट नहीं होना है, ऑब्सेस नहीं होना है, आपको खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है. क्वीन ऑफ कप्स, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ ऑल द टाइम एंड पीसफुल रहना है. किंग ऑफ स्वॉर्ड शोज के आपको क्लैरिटी रखना चाहिए अपनी बातों पे. बट जैसे मैंने पिछले किसी एक वीडियो में बोला था, यू शुड नॉट बी डिसरेस्पेक्टिंग अ पर्सन. चाहे वो आपको गुदस गालियाँ भी सुना दे, लेकिन आपको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है. जैसे मैं एक साल हो गया है, आई एम प्रैक्टिसिंग प्रॉपरली, और भी प्रैक्टिस मैं कर सकती हूँ, नॉट शोइंग एनी कि मैं बहुत कुछ कर रही हूँ. बट मैं जैसा खुद कर रही थी इससे पहले, मैं किसी और से नहीं कंपेयर कर रही हूँ, बट मैं जैसा खुद कर रही थी पहले उससे तो मैं बेहतर कर रही हूँ, इतना मुझे पता है. मैं खुद पहले इतना जाप करना नहीं कर पा रही थी. हाँ, मैं जाप तो हमेशा करती थी, बट जो महामंत्र का जाप होता है, जो माला के साथ में, जैसे ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप होता है, वो मैं तब इनिशियली मैंने बस स्टार्ट किया था जब मैं अपने लाइफ में अपने करंट पार्टनर के साथ में मिली थी. उस टाइम पे मैंने जो गलतियाँ की थी, मैंने उसमें बोला था कि बहुत ही, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक ब्रेकअप से निकल रही थी, सो आई एक्सप्रेस्ड एंगर इन अ वे, जो मैं उसमें हार्ट ब्रोकन थी, तो उसका एक रिपोकेशन मैं उस इंसान को नहीं दिखा पाई, तो मैंने अपने नए इंसान को दिखा दिया था. सो होता है, इंसान फितरत है, तो वो किसी वीडियो से देख के इंस्पायर होकर मैंने और ज़्यादा किया था. तो मैं यही बोलूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई रैश डिसीशंस मत लेना एंड कभी भी गुस्से में किसी को कुछ सुना मत देना. अभी जैसे मैं काफ़ी ज़्यादा सीख चुकी हूँ, एंड ये मेरे करंट इंसान के बदौलत, उन्होंने कुछ किया भी नहीं, बट उनसे दूरी मुझसे नहीं सहा गया, तो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग लॉट ऑफ चैंटिंग, लॉट ऑफ. तो उनमें उनके फैमिली के किसी एक इंसान के साथ मैं बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हूँ, एंड ये सारे भगवान का ही कृपा है. सो मैं आप सबको बोलती हूँ, बी वेरी स्पिरिचुअल. अगर आपको पर्सनल सेशंस चाहिए, मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लीजिए, ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर पाऊँ कि आप लोग के सिचुएशन के हिसाब से आपको कैसे स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना चाहिए, कैसे आप अपने पर्सन के साथ में कनेक्ट कर सकते हो, अपने आप को डिटैच कर सकते हो, एंड कैसे आप अपने डिज़ायर्ड सोलमेट को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो. सो थोड़ा सा सोच समझ के हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट तो रखिए ही, प्रोटेक्टेड रखिए, बट ऑब्सेशन में या डेविलिक एनर्जी में आके कभी भी रॉन्ग डिसीजंस नहीं लेना, क्योंकि एंड में आपको लवर्स ही होना है. सो कंट्रोल योर, हैव अ कंट्रोल ऑन योर वर्ड्स एंड योर इमोशंस, सो दैट यू कैन हैव अ वेरी ब्यूटिफुल हैप्पी लविंग लाइफ. ठीक है, अगर मेरे साथ आपको पर्सनल सेशन बुक करना है, तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप लोग डीएम कर सकते हो. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय. द नंबर इज 9038758500. क्लेम दिस रीडिंग, क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट कीजिएगा. टेक केयर, बाय बाय.